नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मनोहर पर्रिकर का निधन हो चुका है। वह 63 वर्ष के हो चुके थे। पर्रिकर लंबे वक्त बीमार चल रहे थे। वह पैनक्रेटिक कैंसर से जूझ रहे थे। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी। इससे पहले खबर आई थी कि वह बेहद गंभीर थे और डॉक्टर पूरी ताकत लगा रहे थे। उन्होंने अमेरिका, दिल्ली और गोवा में कैंसर का इलाज कराया। आखिर दिनों में पर्रिकर काम करने लगे थे। बीमारी के दिनों में ही उन्होंने गोवा का बजट पेश किया और राज्य का काम बाखूबी संभाल रहे थे। पर्रिकर को 31 जनवरी को अखिल भारतीय अनुसंधान आयुर्वेदिक संस्थान में दिखाया गया था। हाल ही में बीमार मुख्यमंत्री ने 3 मार्च गोवा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चेकअप कराया था। फरवरी में पर्रिकर का GMCH में एक ऑपरेशन भी हुआ था। कुछ दिनों पहले गोवा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और बीजेपी विधायक माइकल बेबो ने बयान दिया था कि पर्रिकर बहुत बीमार हैं। लोगों का समझना होगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लोगों ने कहा कि पर्रिकर जो बीमारी से जूझ रहे हैं उनका कोई इलाज नहीं है। भगवान की कृपा से आज वो जीवित हैं। भगवान उन्हें काम करने का आशीर्वाद दे। बता दें कि इस साल 23 जनवरी को पर्रिकर ने नाक में ट्यूब लगाकर गोवा का बजट पेश किया था और उन्होंने कहा था कि आज मैं एक बार फिर वादा करता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा और अपनी अंतिम सांस तक गोवा की सेवा करूंगा। मुझमें काफ़ी जोश है और मैं पूरी तरह होश में हूं। बता दें कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के वर्तमान CM मनोहर पर्रिकर कैंसर से पीड़ित थे। लंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, मनोहर पर्रिकर की डेथ के बारे में आपका क्या कहना है? आप इनकी शोक के लिए कुछ कमेंट में लिखें जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक करें, शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके मौत के बारे में पता चल सके। और पॉलिटिक्स जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।